हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, ये ना Hyundai की ग्रैंड आई10 नियोस एंड ये इसका ना स्पोर्ट जी वेरिएंट आप देख रहे हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब टॉप मॉडल के कंपैरिजन में सिर्फ इसमें ना आपको अराइवल नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारे फीचर्स ना इस गाड़ी में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ना इस गाड़ी का वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में ना इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइस, माइलेज, इंजन स्पेसिफिकेशन, मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड गाइज स्टार्ट करते हैं ना इस गाड़ी की कीज से। कुछ ऐसी इस गाड़ी में की दी जा रही है, फ्लिप की मिल जाती है लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पे स्विच दिया जा रहा है एंड Hyundai का लोगो मिल जाता है पीछे। दूसरी वाली चाबी ना इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी दी गई है और इस गाड़ी में ना वेब की नहीं मिलती, आप देख सकते हैं नॉर्मल सी की दी गई है। लेकिन जब आप इसको फोल्ड कर देंगे ना तो काफ़ी अच्छा लुक आपको प्रोवाइड करेगी, मतलब सेम क्रेटा की तरह इस गाड़ी की चाबी दी जा रही है। बात करें फ्रंट लुक की तो भाई कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट से। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें मिल जाता है, यहाँ पे आपको मतलब लैंप मिल जाता है इंडिकेटर के लिए। और भाई इस गाड़ी में ना आपको DRL भी मिल जाएगा, मतलब इस वेरिएंट में, बाकी फॉग लैंप के लिए ना जगह वगैरह इसमें नहीं दी जा रही है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल दी गई है एंड नंबर प्लेट के लिए जगह भी मिल जाती है। काफी बढ़िया मतलब ब्राइटनेस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर देगी रात में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस गाड़ी की हेडलाइट से। इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको, चाबी लगाना पड़ेगा इसमें। ओके लगा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लाइट इस गाड़ी में दी जा रही है, मतलब हाइलोजन बल्ब के साथ तो दी गई है लेकिन ब्राइटनेस से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका हेजार्ड लैम्प भी ऑन करके दिखा देता हूँ, ये है इस गाड़ी का हेजार्ड लैम्प एंड कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक आपको मिल जाएगा। बोनट की डिज़ाइन आप देख सकते हैं और यहाँ पे सर्टन फिनिश में ना Hyundai का लोगो मिल रहा है एंड विंडशील्ड ना काफ़ी बड़ी सी दी गई आप देख सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वाइपर इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। डुअल वाइपर एंड वॉशर इसमें फ्रंट में मिल जाता है। बाकी इसकी रूफ आप देख सकते हैं, एकदम प्लेन रूफ दी जा रही है। 7 पिन एंटीना यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे इसके RVM पे इंडिकेटर दिया गया है और ये भाई आप मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मतलब ऑटो फोल्ड अनफोल्ड के साथ में नहीं आता है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकली ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए भाई काफ़ी बढ़िया फीचर है, इसको फोल्ड कर देता हूँ और इंडिकेटर भी यहीं पे दिया गया है। बाकी बॉडी कलर ना इस गाड़ी का डोर हैंडल मिल जाता है और भाई कलर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश ना एक नंबर की मिल जाती है। यहाँ पे ग्रैंड आई10 की बैजिंग मिल जा रही है एंड इसका बी पिलर ना मैट फिनिशिंग में मिल जाता है, बाकी ए पिलर ना बॉडी कलर में दिया गया है एंड यहाँ पे भी इसका सी पिलर देखेंगे ना तो ब्लैक में दिया जा रहा है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बात करें टायर सेक्शन की तो भाई इसमें ना डायनामिक व्हील दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, ये देखिए इस पर व्हील कवर लगाया गया है, बाकी Hyundai का लोगो मिल जाता है और भाई मतलब लुक ऐसा प्रोवाइड करेगा नहीं, ये आपको लगेगा ही नहीं कि अलॉय व्हील है या स्पोक व्हील है। बात करें टायर सेक्शन की तो भाई MRF का टायर मिल जा रहा है इस गाड़ी में एंड चारों टायर आपको ट्यूबलेस से मिलेगा, बाकी फ्रंट में आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएगी मतलब दोनों टायर पे और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में दी गई है। एंड टायर सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 175/60 R15 सेक्शन का इसमें टायर दिया जा रहा है, ट्यूबलेस टायर। और फ्रंट में ना MacPherson स्टड सस्पेंशन आपको मिल जाएगा और भाई सस्पेंशन इस गाड़ी का काफी बेस्ट है मतलब इस सेगमेंट में। तो ये हो गया इसका फ्रंट पोर्शन। बात करें साइड की तो भाई साइड लुक मैंने आपको दिखाई दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं जगह काफ़ी कम है, यहाँ बगल में क्रेटा भी खड़ी की गई है ना जिसके वजह से मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड रियर टायर बिल्कुल सेम है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, रियर में ट्विस्ट बीम हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। बाकी बात करें रियर लुक की तो भाई रियर से ना कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, यहाँ पे ना कनेक्टेड लाइट तो नहीं देखने को मिलती, बाकी यहाँ पे LED टेल लाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट यहाँ पे मिल जाएगी, ब्रेक लाइट ना इसका हाइलोजन बल्ब के साथ में दिया गया है, बाकी ये पार्किंग के लिए ना आपको LED में मिल जाएगी। स्पोर्ट जेट की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, सर्टन फिनिश में भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी Hyundai का लोगो, ग्रैंड आई10 का बैजिंग यहाँ पे मिल जाता है, नियोस की ना ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैज किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी रियर में डिफॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, वाइपर एंड वॉशर इसमें नहीं मिलता रियर में, यहाँ पे इसकी आप टेल लाइट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ना रिफ्लेक्टर दिया जा रहा है रियर में, नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है और भाई नंबर प्लेट के लिए ना लाइट दी गई है LED वाली, बाकी इसकी प्लेट ना इसकी मैट ब्लैक में दी जा रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। बम्पर इसका आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, दो पार्किंग सेंसर ना इसमें दिया जा रहा है, रिवर्स यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का इसमें रियर लुक मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको ग्रैंड आई10 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ से ना आप इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं, 35 लीटर ना इस गाड़ी में फ्यूल टैंक दिया जा रहा है। आइए इसका बूट स्पेस आपको दिखा देता हूं, इस गाड़ी का बूट स्पेस यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा जिसको आप निकाल भी सकते हैं, बाकी किट वगैरह यहाँ पे मिल जाता है देख सकते हैं। एंड बात करें स्पेयर व्हील की तो भाई इसमें ना अपोलो का टायर दिया जा रहा है एंड टायर सेक्शन 165/70 R14 सेक्शन का ना इसमें रियर में टायर दिया जा रहा है, मतलब 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह दी जा रही है तो कुछ इतना इसमें स्पेस मिल जाता है आपको, और जैसे और ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए ना तो इसका सीट फोल्ड करके ना आप यहाँ से फोल्ड करके बेंच फोल्डिंग सीट इस गाड़ी में दी जा रही है, तो यहाँ से फोल्ड करके ना आप और भी ज़्यादा इसके बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पे सर्टन फिनिश में ना मतलब ग्रे फिनिश में हैंडल दिया जा रहा है और यहीं से ना आप मतलब इसका चारों डोर क्लोज भी कर सकते हैं, ये देखिए,
और भाई इंटीरियर एक नंबर का इस गाड़ी में मिल जाता है, मतलब ग्रे एंड बेज फिनिश में इस गाड़ी का इंटीरियर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लुक्स ना काफी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे ORVM के, एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, एंड ऑटो मतलब यहाँ से मैनुअली ही फोल्ड कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सारा कंट्रोल आपको मिल जाएगा। 4 पावर विंडोज गाड़ी में दी जा रही है, बाकी चारों आप इसका पावर विंडो चेक कर सकते हैं। यहाँ से ना इसका पावर विंडो आप लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी जा रही है बंद करने के लिए। बाकी स्पीकर इसका आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे ना 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी और स्पेस दी जा रही है इसमें ना, आपको 4 स्पीकर का सिस्टम दिया जा रहा है, जो भाई काफ़ी लाउड एंड क्रिस्प साउंड आपको प्रोवाइड कर देगा। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और दिखाते हैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। तो ये है इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील, मतलब ना ही लेदर रैप है और ना ही इस पे कोई कवर वगैरह दिया जा रहा है। जैसे आप जब गाड़ी परचेज करेंगे ना, तो इस पे आपको एसेसरीज लगा के दी जाएगी। बाकी यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए स्विच मिल जा रहा है, वॉइस कमांड भी यहाँ पे दिया जा रहा है। सारे कंट्रोल आपको मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम के ना यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे ना आपको क्रूज कंट्रोल भी इस वेरियंट में दिया जा रहा है। मतलब आपको टॉप मॉडल खरीदने की कोई भी जरूरत ही नहीं है इस वेरियंट को, अगर आप परचेज करते हैं तो। बाकी यहाँ पे ना आप देखेंगे तो इसका हेडलैम्प कंट्रोल और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल आपको मिल जाएगा। 8 इंच का ना इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है, सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये है ना इस गाड़ी का मीटर कंसोल, आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। और भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस गाड़ी में दिया जा रहा है इस वेरिएंट में, जो काफी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक लाइट, FI लाइट एंड सारी लाइटें ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लो फ्यूल इंडिकेटर एंड बैटरी, सीट बेल्ट, और यहाँ पे ना चारों सीट बेल्ट के लिए आपको वार्निंग दी जा रही है, टेम्परेचर, ऑडोमीटर, और यहाँ से ना ये देखिए यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, यूजर मैनुअल, फ्यूल इकोनॉमी, एंड यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको दिया जा रहा है। मतलब सारी चीज़ें ना इसके मीटर कंसोल पे आपको मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर, एंड यहाँ पे RPM मीटर एंड टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है एनालॉग में। तो इतना इस मतलब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है इसके मीटर कंसोल पे। बाकी यहाँ पे ना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिल जाता है, एंड यहाँ पे ना बैटरी चार्जिंग वार्निंग भी इसमें दी जा रही है। भाई मतलब बैटरी इसकी डाउन चुकी है, जल्दी जल्दी ना आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे हजार्ड लैंप मिल जाता है, AC वेंट इसमें 4 दिया गया है, आप देख सकते हैं ये वाला ना बिल्कुल थार के तरीके का दिया गया है, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC इस गाड़ी में दी जा रही है, एंड यहाँ से आप सारे कंट्रोल इसका चेक कर सकते हैं। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, एंड यहाँ पे ना 120 वॉट का पावर आउटलेट दिया जा रहा है, जिससे आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, एंड यहाँ पे ग्रे फिनिश का यूज़ किया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेदर रैप में ना इस गाड़ी का ये दिया जा रहा है गियर नॉब, और भाई काफ़ी बढ़िया मतलब गियर नॉब इस गाड़ी में मिल जाता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी आसानी से गियर लग रहा है। मतलब मेरे ब्रीजा में ना स्मूथ गियर नहीं डलता जितना इसमें आप देख सकते हैं, भाई वो पुरानी हो गई है, ये अभी बिल्कुल नई गाड़ी है। बाकी इसका IRVM आप देख सकते हैं, मैनुअली ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड बात करें सनवाइजर की, तो भाई सनवाइजर पे ना आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा पैसेंजर की तरफ, बाकी इधर ना आपको टिकट होल्डर ही सिर्फ मिलेगा। यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, एंड ऑटो फोल्ड के साथ में ना इस गाड़ी का ग्रैब हैंडल दिया जा रहा है। तो ये हो गया ना इसका फ्रंट लुक। बाकी रियर से ना इसका डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ, एंड सीट इसकी आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका जो कॉर्नर दिया गया है ये लेदर में मिल जाता है, बाकी बीच में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी जा रही है, और भाई कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। एंड चलते हैं इसके अंदर, एंड दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्पेस। इसकी ये वाली सीट ना मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी किया हूँ, मतलब मेरी हाइट 5'10" के करीब है। और भाई लेग रूम देखेंगे ना, तो काफी ज्यादा इस गाड़ी में लेग रूम दिया जा रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको बैठने में नहीं आएगी इस गाड़ी पे। बाकी यहाँ पे ना आप देखेंगे तो भाई मतलब पॉकेट दी जा रही है, इसमें आप कोई भी सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और भाई लेदर सीट ना काफी अच्छी लग रही है इसकी, पीछे से लेदर है और फ्रंट से ना आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिलेगी, और काफी बढ़िया क्वालिटी की इस गाड़ी में सीट दी जा रही है। लेकिन इसका जो हेडरेस्ट है फ्रंट वाला ना, वो आपको फिक्स्ड ही देखने को मिलेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे केबिन लाइट मिल जाएगी हैलोजन बल्ब के साथ में, और ग्रैब हैंडल इसका आप देख सकते हैं, सीट बेल्ट कुछ इस तरीके का दिया गया है, एंड फ्रंट वाला मतलब इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। एंड भाई रियर सीट ना काफी अच्छी इसकी दी गई है, आप देख सकते हैं फैब्रिक सीट इसमें मिल जाएगी, और भाई यहाँ पे भी आपको लेदर का यूज किया गया, काफी अच्छा लग रहा है। एंड रियर वाला हेडरेस्ट ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये काफी बढ़िया फीचर लगा मुझे। तो भाई सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो रियर के लिए AC वेंट मिल जा रहा है, यहाँ से आप इसका मतलब फैन स्पीड लो हाई कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। भाई यहाँ पे भी आपको पावर आउटलेट मिल जा रहा है, मतलब चार्जिंग के लिए। इसमें स्पेस ना आपको एक नंबर की मिल जाएगी। बाकी बात करें थाई सपोर्ट की, तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया इसमें थाई सपोर्ट मिल जा रहा है, एंड मेरे हाइट के हिसाब से ना, तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इस गाड़ी में बैठ के। बाकी फ्रंट से भी आपको बैठकर दिखा देता हूँ, मतलब मैं सीट अपने हिसाब से एडजस्ट भी किया हूँ, नहीं तो आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या और कुछ, तो मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी में मिल जाती है, जैसे आप
मारुति की स्विफ्ट चेक करेंगे ना, उसमें भी आपको इसी तरीके की स्पेस दी जा रही है। एंड आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहाँ पे लेगरूम मिल जा रहा है, कैबिन लाइट आपको मिल जाएगी एलईडी वाली, और ग्लव बॉक्स ना कुछ इस तरीके का इसका दिया गया है। एंड भाई क्वालिटी काफी अच्छी है, अगेन मैं आपको बता दूं। फिट एंड फिनिश ना भाई ह्यूंडई की गाड़ियों का मुझे सबसे तगड़ा लगता है, मतलब जैसे टाटा या मारुति से कंपेयर करेंगे ना, तो ह्यूंडई की फिट एंड फिनिश एक नंबर की दी गई है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो भाई यहाँ से पहले इसका इंजन ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंजन। एंड ये है ना इस गाड़ी का इंजन, इसमें 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर कापा इंजन दिया जा रहा है, जो आपको सेम एक्स्टर एंड आई10 नियोस आई10 एओरा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 के लिखा हुआ है, ह्यूंडई का लोगो मिल जाता है। भाई काफी रिफाइंड इंजन दिया जा रहा है ये ह्यूंडई की तरफ से। एंड बात करें पावर की, तो भाई 82 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा 6000 rpm पे, एंड 113.8 nm का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 4000 rpm पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। एंड बात करें माइलेज की, तो भाई लगभग 18-20 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज दे देगी। एंड फ्यूल टैंक मैंने आपको दिखाई दिया था, 37 लीटर का इस गाड़ी में फ्यूल टैंक दिया जा रहा है। बाकी बैटरी वगैरह इसका आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप मतलब पानी डाल सकते हैं, रेडिएटर यहाँ पे दिया गया है, और वॉशर के लिए ना यहाँ पे आप मतलब पानी डाल सकते हैं। कूलेंट ना इसका पिंक कलर में दिया गया है, जो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी हेडलैम्प इसका आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, इसका बोनेट मैं बंद कर देता हूँ। बात करें ना इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो भाई इस गाड़ी की लेंथ है 3815 mm की, और विड्थ ना 1680 mm की दी जा रही है इस गाड़ी में, और भाई हाइट ना 1520 mm की मिल जाती है। बात करें व्हील बेस की, तो भाई इसमें 2450 mm का सेम व्हील बेस दिया जा रहा है एक्स्टर की तरह। एंड ग्राउंड क्लियरेंस ना 165 mm की दी जा रही है, काफी मतलब कम तो नहीं लेकिन ठीक ठाक आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रही है। एंड बूट स्पेस मैंने आपको बताई दिया, 260 लीटर का इस गाड़ी में बूट स्पेस मिल जाता है। करें ना इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो भाई इसका ग्लोबल एनकैप में ना टेस्ट हुआ था, जिसमें ये गाड़ी 2 स्टार अचीव कर ली थी। अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर करेंगे तो 1 स्टार ज्यादा ही अचीव की है, जैसे आप टाटा टियागो से कंपेयर करेंगे ना, तो 2 स्टार उससे कम ये गाड़ी अचीव कर पाई है जी एनकैप में। एंड 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाएगी, एंड 2 सर्विस फ्री दी जाएगी कंपनी की तरफ से ह्यूंडई आई10 में। एंड बात करें ना इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो भाई इसमें ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, TPMS, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड लॉक ओवर स्पीड वार्निंग, स्पीड सेंसर, डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉक एंड एंटी थेफ्ट अलार्म, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉक, एंड काफी सारे फीचर्स ना इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये गाड़ी चेकआउट करना है, तो भाई गीता ह्यूंडई अयोध्या उत्तर प्रदेश में आके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी मेंशन किया हुआ है। और भाई नंबर पे ना कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल इस गाड़ी के बारे में ले सकते हैं, और कोई भी गाड़ी आपको बुक करवाना हो ना, मतलब यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आपको ह्यूंडई की मिल जाएगी, कोई भी गाड़ी आपको बुक करवाना हो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करें ना इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो भाई इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 8,60,640 रुपये अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और ये सभी गाड़ियाँ ना आपको गीता ह्यूंडई अयोध्या उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। एंड बात करूँ इसके डाउन पेमेंट के बारे में, तो भाई 1,70,000 से लेकर 2,00,000 रुपये तक आप इस पे डाउन पेमेंट देकर ना इसको अपने घर ले जा सकते हैं। एंड भाई इस गाड़ी में ना आपको 6 एयरबैग दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एयरबैग प्लेस किया गया है यहाँ पे, एंड वहाँ फ्रंट पे 3 इधर हो गया, बाकी 3 इधर आपको मिल जाएगा। मतलब 10 लाख के अंदर आपको इतना सारा एयरबैग इतनी छोटी सी गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है ह्यूंडई की तरफ से, जो काफी बढ़िया बात है। बाकी इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं भाई, डैशबोर्ड का लुक ना एक नंबर का दिया गया। तो भाई ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ ग्रैंड आई10 नियोस। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कब आप ये गाड़ी लेने वाले हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।